लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई खूनी झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव का माहौल है। इस झड़प के बाद से भारतीय वासियों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर तरफ चीनी सामान का बहिष्कार के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा था कि वीर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीनी सामान के बहिष्कार के भीतर भारत सरकार ने सोमवार को 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन के 59 ऐप पर सोमवार को बैन लगा दिया है। जिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो जैसे पॉपुलर ऐप शामिल है। भारत सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इन ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।